अपलोड करके रखी हुई है हम आपको थोड़ी सी प्ले करके दिखा देते हैं। की बुआ बोल रहे कि वो वाजिदा या माजिदा मेरे बेटे के ऊपर झूठी झूठी वीडियोस बना रहा है। बस हम समझ सकते हैं जिसके घर के ऊपर बीती होती है उसको बहुत ज्यादा दर्द फील होता है। प्रो राइडर की बुआ आमिर भाई पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिख रही है, बोल रहे हैं कि आमिर भाई अभी तक हमारा फोन नहीं उठा रहा। पापा आमिर भाई को फोन कर रहे हैं और आमिर भाई बोल रहे हैं मैं कल आऊंगा ऐसे ऐसे कर रहे हैं। बुआ ने ये भी कहा कि आमिर भाई पहले प्रो राइडर के साथ हमारे घर में आए थे, हमारे घर में खाना खाया, घर का नमक खाया हमारे, मैंने खुद से अपने हाथों से लड्डू खिलाए, इसकी मम्मा ने खुद इसके साथ ब्रेकफास्ट तैयार किया, नमक हरामी करता, मेरे बेटे का एक्सीडेंट भी हुआ था तो अपने भाई की तरह मानता था, तो उसको वापस क्यों नहीं गया मेरे बेटे को देखने के लिए, छुप रहा क्यों है, ये कहां पे छुप गया, आ रहा क्यों नहीं है, जम्मू में क्यों भाग गया। अगर मैं इंसिडेंट हुआ होता ना वही दुख दर्द समझ सकता है। ये जो बंदे बोलते हैं ना कि हम रात को लाइव आएंगे, 5 बजे लाइव आएंगे, 7 बजे लाइव आएंगे, ये सिर्फ व्यूज छापने के लिए आते हैं, तो घंटा कुछ समझ होती नहीं, मतलब घंटा कुछ पता होता नहीं इनको। और हम आमिर भाई के भी हालात समझ सकते हैं, हमें तो लग रहा है आमिर भाई ना बहुत ज्यादा डर गए, अंदर एक डर बैठ गया, अगर मैं उत्तराखंड वापस गया, देहरादून वापस गया तो मेरे को वहां के लोग जो है वो मारेंगे, इस डर की वजह से शायद वहां पे ना जा रहे हो या कोई और वजह भी हो सकती है। अगर आमिर भाई 360 उठाना ही होता तो वो यार गोप्रो भी तो उठा सकते हैं ना। आमिर भाई को क्या पता था कि गोप्रो में आधी क्लिप रिकॉर्ड हुई है, पहले से जानते थे कि गोप्रो उनका बंद हो गया, इतने टाइम पे नहीं बंद हुआ। कुछ बातें जो होती है ना वो ना भगवान जी के हाथ में भी होती है कि भाई इस वक्त इस बंदे को इधर से जाना है तो जाना है। कुछ बंदे तो ऐसे यार रात को ना लाइव आ जाते हैं, फालतू की बातें छेड़ना शुरू हो जाते, भाई ये गलत है, वो इसको छोड़ के चला गया, वो इसको छोड़ के चला गया। पुलिस क्यों है, पुलिस को अपना काम करने दे, खुद से आईडी बनने की कोशिश बिल्कुल मत करो, आप अपनी पुलिस बनने की कोशिश बिल्कुल मत करो, आप अपने काम से काम रखिए, उनको उस फैमिली को पता कि भाई उनके ऊपर क्या बीत रही है, आप गलत गलत कमेंट कर रहे हो, गलत गलत चीजें फैला रहे हो, बोल रहे हो कि हम आमिर भाई की साइड दे रहे हैं कि आमिर भाई सही बोल रहे हैं कि आमिर भाई ने ये नहीं किया। अगर कुछ ऐसी क्लिप आती है जिसमें आमिर भाई ने कुछ गलत किया होगा तो पुलिस उनको पकड़ेगी, हमने ड्रैगन आम भी चाहेगी भाई पकड़ना चाहिए। बंदा गाइस उसने तो पूरी शर्म ही छोड़ी हुई है गाइस, वो बंदा करता क्या, गेमिंग वाला सेटअप उसने खोल के रखा हुआ है, कुर्सी पे आके बैठ जाता है, आमिर भाई की क्लिपें प्ले करता है, आमिर भाई को ना गलत साबित करता है। एक तो प्रो राइडर के फादर और मम्मा के दिल में आमिर भाई की जगह जो है वो साइड करने की कोशिश कर रहा है, इनके पास भी कोई सबूत है नहीं, ये भी सब्सक्राइबर्स और व्यूज गेन करते, मतलब एक जगह पे रोका रखा है भाई, हाँ यहाँ पे पब्लिक को रोकना, यहाँ पे रोक के रखना है, फिर उसके बाद हम क्लिपें प्ले करेंगे, स्लो सो वर्जन करके करेंगे, लोग सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। आपको पता होगा लाइव मोटो वर्ल्ड ने गाइस पीर बाइकर सामी को 2 स्ट्राइक दी थी, पीर बाइकर सामी बहुत ज्यादा रो रहे थे कि मैंने सुसाइड कर लेना, अगर 3 स्ट्राइक और आ गई तो मेरा चैनल उड़ जाएगा। जब अभी थोड़ी देर पहले पीर बाइकर सामी के इंस्टाग्राम से एक स्टोरी उड़ रही है जिसमें लाइव मोटो वर्ल्ड भी साथ में दिख रहे हैं, उनके क्लिप से मेरे को ऐसा लग रहा है कि दोनों ने वापस से दोस्ती कर लिया। आपको क्या लगता है गाइस, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। अमरनाथ बॉय जो है यार उसने शर्म बेच के जो है वो खाई हुई है, जब प्रोवाइड बाइक का एक्सीडेंट हुआ उसने तब भी गलत बातें यूज करी, उसके बाद भी 5-6 वीडियो अपलोड करी उसमें भी गलत बातें यूज करी, ड्रैगन Z920 ने उनका मुंह पे धमकी दिया भाई अब तू नहीं बचता तो जो मर्जी कर ले, इसके 3-4 चैनल डिलीट हो चुके हैं स्ट्राइक बज बज के, मतलब ऐसे बंदू को मार देता है, जो बंदे मरे भी नहीं होते उनको बोलते हैं ये बंदा मर गया, वो बंदा मर गया, अच्छा हुआ मर गया, अच्छा हुआ एक्सीडेंट हुआ। उस बंदे बोलते हैं 5 बजे लाइव आएंगे, हम सच्चाई बोलेंगे, हमारी उनसे पापा की बात हो चुकी है, ये हो चुका है, वो हो चुका है। बड़े बड़े यूट्यूबर भी मतलब आजकल इतने व्यूज के चक्कर में नीचे गिर गए, अपने जुबान से जो है वो मतलब ऐसे लफ्ज यूज कर रहे हैं व्यूज के लिए, भाई हमारी उनसे बात हो चुकी है। आप अपना खुद प्रिडिक्ट कर रहे हो, आपको खुद भी पता नहीं है कि आप क्या हुआ क्या, आप खुद प्रिडिक्ट कर रहे हो। आपको पता होगा बिग डील जो आमिर भाई के बहुत अच्छा दोस्त था, पहले आमिर भाई के साथ वीडियोस बनाता था और आमिर भाई के नाम पे पूरे व्यूज छापता था, उसने भी आमिर भाई को आज बहुत गंदे वाला पोक किया, तो सबसे पहले आप क्लिप ही देख लो। बिग डील ने आमिर भाई को पोक करते हुए बोला कि सो कॉल्ड यूट्यूबर जो होते हैं यार वो ना किसी बंदे को, हर किसी बंदे को इंस्पिरेशन करते हैं भाई, तुम 300 मारो, तुम टॉप एंड मारो, फिर तुम्हारे व्यूज आएंगे, ये है वो है। इसी बात को लेकर कुछ बंदे जो है वो टॉप एंड मारने की कोशिश करते हैं और बाद में वो एक्शन करते हैं। पहले ये बोलते थे कि मैं आमिर भाई को देखता हूं और आप बोलते कि मैं जो इंस्पिरेशन मानता हूं वो मानता हूं सीधा जटप्रभजोत को। दोनों में कुछ सीन हो चुका है, दोनों में कुछ बहस हुई है, पता है मतलब यार ये बात शेयर नहीं करते सोशल मीडिया पे, कुछ बंदे जो है वो बातें राज खोल देते हैं, लेकिन बिग डील ने आज तक कोई भी राज ऐसे खोला नहीं है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो है जानू स्टंट्स मोटो व्लॉगर की साइड से, जानू भाई की ना एक लड़की के साथ बहुत गंदी वाली फाइट हो चुकी है, तो सबसे पहले आप छोटी सी क्लिप ही देख लो।
अगर आप ये फुल वीडियो देखनी है तो जानू स्टैंड के चैनल में जाके देख सकते हो। ये पूरी वीडियो देखने के बाद हमें ये पता लगा ये वीडियो पूरी स्क्रिप्टेड है। ये हम बड़ी कुत्ती चीज है। इसकी अपडेट यहीं तक थी गाइस। अगर हमारे पास कोई और अपडेट आती है तो गाइस किसी और अपडेट में मिलते हैं। आपके पास भी कोई ऐसी अपडेट होती है तो सामने इंस्टाग्राम अकाउंट हमारा शो रहा होगा गाइस। आप इंस्टाग्राम पे हमें डीएम करके बता सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल रही होगी। इसके बदले में हम आपको शॉर्ट आउट देंगे तगड़ा वाला। यार जिस बंदे ने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया ये सामने हमारा फेसबुक पेज शो रहा होगा। जो बंदा हमें फेसबुक पे देख रहा था हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाए, वहां पे हमें सब्सक्राइब कर। सबसे पहले हम जो वीडियो है YouTube पे ही गिरते हैं। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार किसी भी फेक न्यूज की तरफ मत जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। बाय गाइस।